जिला प्रशासन द्वारा तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बिना मास्क घूम रहे लोगों को पकड़कर खुली जेल में रखा गया, जिसके बाद बिना मास्क वाले युवकों को संकल्प दिलवाकर छोड़ा गया। यह मास्क चेकिंग शहर के रूप सिंह स्टेडियम के पास लगाई गई। फिर भी है ना, आप लोग है ना, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, मतलब तो गलती है तो थोड़ा सा स्वीकार करो ना, थोड़ा स्वीकार करो, तुम्हारी सुरक्षा है, है? आप लोगों को समझा रहे हैं। परिवार के नाम बता दो। सतीन डॉक्टर खुली जेल में पकड़े गए हैं, ठीक है, बिना मास्क के आप लोग थे, इसलिए आप लोगों को इन सिपाहियों ने पकड़ा। पकड़ा कि नहीं पकड़ा बोलिए आप, पकड़ा। इसीलिए आप एक संकल्प करिए यहाँ पर कि हम घर से जब भी निकलेंगे, जब भी हम गाड़ी उठाएंगे, तो जैसे हम गाड़ी की चाबी उठाते हैं वैसे ही अपना, इसी बात का आप संकल्प करिए, हाथ एक कर आगे करके, आगे हाथ करिए सभी लोग, और संकल्प कीजिए कि आप जब भी घर से निकलेंगे मास्क लगा कर निकलेंगे, बोलिए आप सभी लोग, है ना, बिना मास्क के नहीं निकलेंगे। अगर बिना मास्क के आपको तो यहाँ खुली जेल में 2 घंटे के लिए रखा जा रहा है, मगर अगर कहीं ऐसा ना हो कि अगला चौराया आए और आप उसको वहाँ पे पता चला कि 150 या 200 रुपए का आपको चालान करना पड़े, और आप जब चालान भरेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी आपकी जेब खाली होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भैया मास्क लगा के ही निकलो, ठीक है। ये खुली जेल रखी गई है रूप सिंह स्टेडियम में। हमारे जेडी राजीव सिंह जी हैं, उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, और खुली जेल में हम 2 घंटे इन लोगों को रख रहे हैं, क्योंकि ये बिना मास्क के निकल रहे हैं, और बिना मास्क के निकलने के वजह से हम अर्थदंड इनको सिर्फ निबंध लिखाकर और 2 घंटे बैठाकर इनको पूरा करा रहे हैं। इसके पीछे क्या प्रशासन की मंशा है? प्रशासन ये चाहता है कि अगर घर से निकलते हैं और मास्क लगाकर निकलते हैं तो इनकी सुरक्षा है, जिससे आने वाले समय में जो तीसरी लहर आने की संभावना है उससे बचा जा सके। लगभग अभी तक कितने लोगों को शपथ दिलाई? अभी तक हम 150 से 200 लोगों को शपथ दिला चुके हैं। टारगेट वगैरह? टारगेट वगैरह का तो अभी कुछ ऐसा निर्देश नहीं मिला है हम लोगों को कि कोई टारगेट रखा जाए। बाकी का बस ये है कि हम लोगों को जैसे ही हमारे सिपाही वगैरह लगे हुए हैं, बाहर टीम लगी हुई है हमारी जो पकड़ के लाते हैं, तो हम उन लोगों को बैठाल के समझाइश देते हैं कि आप जब भी घर से निकले मास्क लेके ही निकले। कितने दिन से ये चल रही है? ये 3-4 दिन हो गए हैं, लगातार बराबर काम चल रहा है। ग्वालियर में कितने क्षेत्रों में ये कर रहे हैं? ये ग्वालियर में निरंतर हम पूरे ग्वालियर को देखते हैं, बाकी की खुली जेल हमारे ग्वालियर में एक ही है जो बनाई गई है। नहीं, इसके अलावा आप लोग चेकिंग कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर? चेकिंग तो प्रशासन लगा हुआ है, हम लोगों को तो खुली जेल में। कहाँ कहाँ लगी हुई? हमारी टीम, वैसे हम लोग सामाजिक न्याय से, हमारे जो दल है वो कलापतक दल है जो पूरे ग्वालियर को देखता है। अभी हम भितरवार भी गए थे, और भितरवार में भी जाके हम लोगों ने बिना मास्क का अभियान चलाया था कि आप मास्क लगा के ही रखें। हम लोगों की सामाजिक न्याय की टीम है, जो 8 लोगों की टीम रहती है, जिसमें हम 4 लोग अभी हैं प्रेजेंट में। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।